सुर्खियों से परे में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चलेंगे एक और ऐसे ही अनोखे म्यूजियम में। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दिल्ली में ही एक और ऐसा ही अनोखा म्यूजियम मौजूद है जहां जाकर आपको बहुत सारी नई जानकारियां मिल सकती हैं। ये म्यूजियम है पर्वतों के लिए और पर्वतारोहियों के लिए। यहां पर पर्वतारोहण से जुड़ी हुई हर जानकारी मिल जाएगी। आइए हम चलते हैं इस म्यूजियम में। इन तस्वीरों में इन लोगों का जुनून देखते ही बनता है। ये सभी हमारे देश के बहादुर पर्वतारोही हैं। अगर आप भी पर्वतों की ऊंचाई नापने में दिलचस्पी रखते हैं तो इस म्यूजियम में जरूर आइए। इसका मेन मकसद यही था कि जो यंगर जनरेशन है वो किस प्रकार माउंटेन्स के बारे में जाने, ज्ञान प्राप्त करे और साथ में ही उनका माउंटेन्स के लिए एक खास आप ये कहिए कि उनका लगाव पैदा हो। तकरीबन एक महीने में 500 से 600 बच्चे इसको विज़िट करते हैं। इसके अलावा जितने भारत में फॉरेन एक्सपीडिशंस हैं वो आते हैं और वो बच्चों को एक ख़ास तरीके से ग्रुप्स में समझाया जाता है कि जो हमारे एमिनेंट माउंटेनियर्स हैं जैसे कि एवरेस्ट पे चढ़ने वाले 65 के उनके बारे में या जो फर्स्ट लेडी जैसे कि बजिंद्री पाल चढ़ी थी उसके बारे में, एवरेस्ट पे दो बार चढ़ने वाले नवांग गुम्पू जी जो कि वर्ल्ड के पहले आदमी थे वो, और साथ में संतोष यादव जो कि फर्स्ट लेडी थी जो कि दो बार चढ़ी थी उसके बारे में बताया जाता है। ये है माउंटेनियरिंग म्यूजियम। दिल्ली में इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की बिल्डिंग के एक हिस्से में मौजूद ये म्यूजियम अपने आप में बहुत सी जानकारियां समेटे हुए है। इस म्यूजियम में आप वायुसेना की खींची गई हिमालय की तस्वीरों से लेकर वहां के नक्शों को देख सकते हैं। यहाँ पर्वतारोहियों के औजारों और सुरक्षा उपकरणों को भी रखा गया है। कि जब बच्चे यहाँ पर आते हैं उनके साथ उनके टीचर्स या जो भी उनके साथ गार्डियन आते हैं वो बहुत खुश होते हैं कि वो आईएमएफ में आए, उन्होंने म्यूजियम देखा या यहाँ पर एडवेंचर ट्रेनिंग प्राप्त की या हम जो करवाते हैं वो किया, और उनको अच्छा लगता है कि बच्चे वीडियो गेम से इतनी दूर दूर हट के एक नए जगह पर आए जिसमें उनको एक खास किस्म का कॉन्फिडेंस होता है। म्यूजियम में हिमालय पर चढ़ाई कर चुके बहादुर लोगों की तस्वीरें और उनकी विजय गाथाएं भी उकेरी हुई हैं। हिमालय की दुर्गम घाटियों में रहने वाले जनजातियों की जानकारी भी आप यहां ले सकते हैं। यहां हिमालय में समय समय पर हुई खोजों की जानकारी भी मौजूद है। इस म्यूजियम का मुख्य आकर्षण है यहाँ रखा ये थियोडोलाइट।
थियोडोलाइट एक ऐसा यंत्र है जिससे भौगोलिक स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जा सकता है। इसी से सर जॉर्ज एवरेस्ट और कर्नल लेम्बनटन ने माउंट एवरेस्ट की खोज की थी। इस म्यूजियम में उपकरणों और तस्वीरों के साथ ही आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिल सकते हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की हो। हम भी ऐसे ही एक पर्वतारोही से मिले जिन्होंने अपने अनुभव हमसे साझा किए। एक्चुअली जब मैं बहुत छोटा था 1953 में, तो उस वक्त तेंजिंग एंड हेलेरी माउंट एवरेस्ट चढ़ा, तो उस वक्त हमारे हेड मास्टर साहब ने लेक्चर किया मॉर्निंग आवर में, तो बोलते हैं तेंजिंग एंड हेलेरी क्लाइम माउंट एवरेस्ट तो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है बोल के, तो बोलते हैं वो आसमान से छूता है बोला उन्होंने, तो ये लफ्ज़ मेरे को अभी तक भूलता नहीं। तो मैंने सोचा आसमान से छूता है तो हमको भी दिखाई देना चाहिए, तो इसलिए फिर हम मैथिक पढ़ के टीचर किया, फिर मैंने एक साल कलारा किया, उसके बाद मैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स में भर्ती हुआ। तो उस वक्त कुदरती मेरे को चांस मिला कि माउंटेनियर एक्सपीडिशन जाना है, तो एक्सपीडिशन में मेरे को डाल दिया। तो कुदरती कंग लाचा बोलते हैं माउंटेन का नाम, 20,160 feet है, जिसके ऊपर से बहुत किस्मत वाले आदमी को कैलाश पर्वत भी दर्शन होते हैं, उसके ऊपर से K2 ससर कंगरी और सियाचिन ग्लेशियर वर्ल्ड हाईएस्ट बेटर फील, तो उसको चढ़ने के मौका मिला मेरे को। तो भगवान की मेहरबानी से हम लोग हेलेरी चिमनी पहुंचा, हेलेरी चिमनी पहुंचने के बाद मैंने ऐसे देखा तो आगे से टॉप नज़र आ रहा था, टॉप पर एक पोल खड़ा था, तो हमने सोचा मेरा ख्वाहिश पूरा हुआ, मेरा माँ बाप का और मेरा हेड मास्टर ने जो बोला मैं इधर पहुंचा, तो फिर आस्ते 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 गया। इस म्यूजियम में पर्वतारोहण से जुड़ी कई और जानकारियां मौजूद हैं। ऐसे उपकरण तो हैं ही जिसे कई पर्वतारोहण अभियानों में इस्तेमाल किया गया। इस विषय पर जारी डाक टिकटें भी यहां रखी गई हैं। दिल्ली जैसे भागते शहर के बीचों बीच स्थित इस म्यूजियम के जरिए आप थोड़ा सुकून पा सकते हैं। ये म्यूजियम न सिर्फ उन लोगों को देखना चाहिए जो कि पर्वतारोहण में दिलचस्पी रखते हैं, बल्कि उन्हें भी देखना चाहिए जो अपनी जिंदगी में कुछ रोमांचक करना चाहते हैं। सुर्खियों से परे के लिए दीप्ति दुबे की रिपोर्ट। सुर्खियों से परे के आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और ऐसी ही चुनिंदा खबरों के साथ जिनका ताल्लुक होगा सीधा आपसे, लेकिन वो इस खबर संसार में कहीं खो जाएंगी, रह जाएंगी सुर्खियां बनने से।
तब तक के लिए मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।